डियर ऑल, इस असाइनमेंट में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी। जैसा कि हमें पता है, इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2019 ऑनवर्ड्स सेट ऑफ के रूल्स चेंज हो चुके हैं। सेट ऑफ के रूल्स के मुताबिक हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर आईजीएसटी के बैलेंसेस को पहले पूरी तरह से यूटिलाइज करना होता है, यानी नए रूल के मुताबिक आपके बैलेंस अंडर आईजीएसटी आईटीसी को फुल्ली यूटिलाइज करना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिस्टम व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर3 भी ऑटो कंप्यूट करते हुए टैक्स सेट ऑफ को हमें टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। तो हमें समझना जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर3 रिटर्न्स सिस्टम किस प्रकार टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है और सेट ऑफ किस प्रकार कंप्यूट करते हुए हमें टैक्स पे करने के लिए कहता है। तो इस असाइनमेंट में हम दिए हुए केस स्टडी के थ्रू आरसीएम लायबिलिटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो लायबिलिटी पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सो टोटल लायबिलिटी अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 62,000 रुपीज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5,600 रुपीज। और वहीं पर अगर बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टोटल आईटीसी एज 51,620 रुपीज। और वहीं रिवर्स चार्ज की अगर आईटीसी की बात करूं तो ये है 5,600, जो कि आप सेम मंथ में एज आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए दिए हुए एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे हमें सॉल्व करना होगा विद टैक्स लायबिलिटी के साथ एज पर सिस्टम जनरेटेड टैक्स लायबिलिटी। चलिए, तो एज पर न्यू कॉन्सेप्ट आईटीसी सेट ऑफ हमें आईटीसी बैलेंस अंडर आईजीएसटी को फुल्ली यूटिलाइज करना है नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगर हम यहां पे इसे समझे, आईजीएसटी का आईटीसी बैलेंस कुछ इस प्रकार है। नॉर्मल आईटीसी यानी कि अदर देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आईजीएसटी आईटीसी को समझे तो नॉर्मल आईटीसी इज 32,500 और वहीं पर अगर आरसीएम आईटीसी को हम टोटल करें तो टोटल आईटीसी हमारा हो जाता है 2,500। सो टोटल आईटीसी 32,500 प्लस 2,500 35,000। हमें टोटल 35,000 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करना है टू सेट ऑफ माय टैक्स लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो एज पर न्यू कॉन्सेप्ट हमें इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। चलिए हम यहां से सब्सट्रैक्ट करते हैं लेस आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी यानी कि हमारी टैक्स लायबिलिटी अंडर आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर हम इसे डिटेल में स्टडी करें तो आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी है 25,000 नॉर्मल लायबिलिटी और वहीं पर अगर आरसीएम की बात करें तो ये है 2,500। लेकिन हम आरसीएम की लायबिलिटी को यहां पर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं बिकॉज आरसीएम की लायबिलिटी हमें मैंडेटरी पे करनी होती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 25,000 रुपीज ही कंसिडर करना है। अब हम यहाँ पे बैलेंस को अगर आइडेंटिफाई करें, बैलेंस अंडर आईजीएसटी, तो आईटीसी बैलेंस 35,000 हमने सब्सट्रैक्ट किया 25,000, बैलेंस आईटीसी बच जाता है दैट इज 10,000 रुपीज अंडर आईजीएसटी। और एज पर रूल हमें इसे फुल्ली यूटिलाइज करना है। फर्दर हम लिस्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास आईटीसी अवेलेबल बैलेंस 10,000 रुपीज और वहीं आउटपुट सीजीएसटी की बात करें तो यह है 18,500 यानी कि हम 10,000 की आईटीसी बैलेंस से 18,500 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हमें एज विच एवर इज लोअर सेलेक्ट करना होगा, मिनिमम दैट इज लोअर फिगर आइदर आईटीसी बैलेंस या फिर सीजीएसटी की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी लिस्ट कर दिया। अब बैलेंस अंडर आईजीएसटी 10,000 माइनस 10,000 विच इज जीरो। तो एज
एज पर रूल हमने आईटीसी बैलेंस अंडर आईजीएसटी को पूरी तरह से यूज कर लिया है, आईटीसी बैलेंस इंक्लूडिंग आरसीएम एज वेल। और वहीं स्टेप नंबर टू की अगर बात करें तो स्टेप नंबर टू में हमें आइडेंटिफाई करना है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अब यहीं पर बात करें आउटपुट सीजीएसटी की लायबिलिटी हमारी एज पर वर्किंग अदर देन आरसीएम 18,500। 18,500 से हमने ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट कर लिया है फिगर, यहाँ पे देख सकते हैं हमने 10,000 एडजस्ट कर लिया था अगेंस्ट आईजीएसटी आईटीसी, तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी बैलेंस लायबिलिटी बचती है 8,500 अदर देन आरसीएम। और वहीं बात की जाए एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी की जो टोटल लायबिलिटी है वो 18,500, हमने कोई भी बैलेंसेस यहाँ से सेट ऑफ नहीं किए हैं। और वहीं बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बैलेंस की, तो सीजीएसटी में अवेलेबल बैलेंस है 9560 प्लस आरसीएम का आईटीसी, हमें दोनों टोटल ही क्लेम कर लेना है, और साथ ही साथ एसजीएसटी की आईटीसी बैलेंसेस इंक्लूडिंग आरसीएम, पेबल फिगर अंडर दिस 8,500 11,110 रुपीज और 7,390 रुपीज। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएसटी एज निगेटिव यानी कि हमारे पास आईटीसी बैलेंस अंडर सीजीएसटी अवेलेबल है, सीजीएसटी आईटीसी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है, और वहीं पर एसजीएसटी की लायबिलिटी हमें यहाँ पर दी जा रही है पे करने के लिए। तो एज पर सिस्टम जनरेटेड हमने अभी तक इसे आरसीएम इंक्लूड नहीं किया, अगर आरसीएम के वैल्यू को इंक्लूड ना करें तो सिस्टम हमें सीजीएसटी के अमाउंट को आईटीसी बैलेंस को रखते हुए एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए शो करेगा, जो कि होगा 7390। आईटीसी बैलेंस अंडर सीजीएसटी इसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट पेबल बैलेंस ऑफ एसजीएसटी, एज पर रूल सीजीएसटी के बैलेंसेस एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो एज पर सिस्टम जनरेटेड हमें पूछा जाएगा टू पे जीएसटी लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी नथिंग बट अंडर एसजीएसटी 7390 और अवेलेबल आईटीसी बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और वहीं बात करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी अभी भी अवेलेबल है जो कि हमें पे करनी होगी, तो हमें रिवर्स चार्ज कुछ इस प्रकार ऐड करना है, अंडर पेएबल हम यहां पे ऐड करेंगे आरसीएम लायबिलिटी, आरसीएम लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी दैट इज 2500, एसजीएसटी अंडर सीजीएसटी इट इज 1550 रुपीज, एसजीएसटी 1550 रुपीज। और वहीं बात करें आईजीएसटी की लायबिलिटी, तो ये है 2500 रुपीज। सो अल्टीमेटली यहां पे देखा जाए तो इवन आपके पास आईटीसी बैलेंस है बट आरसीएम की लायबिलिटी तो आपको मैंडेटरी पे करनी होगी, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न सिस्टम विल आस्क यू टू मेक पेमेंट टू बी डन एज सीजीएसटी 1550, एसजीएसटी की लायबिलिटी आपको पे करने के लिए कही जाएगी 7390 प्लस 1550 और वहीं पर आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए कही जाएगी एज 2500। सो टोटल आपको पे करने हैं फ्रॉम योर बैंक अकाउंट अंडर ई कैश लेजर दैट इज 12,990 रुपीज। दिस इज एज पर सिस्टम जनरेटेड आईटीसी बैलेंस अवेलेबल विथ यू बट स्टिल सिस्टम इज आस्किंग टू मेक द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी के आईटीसी को आप एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते हो, दिस इज एज पर सिस्टम। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को यूज करना चाहो तो उस अमाउंट को भी बिल्कुल यूज किया जा सकता है। एंड अगर हम उस रूल को भी डिस्कस करें जहां पर आईटीसी अवेलेबल बैलेंस अगर सीजीएसटी को यूटिलाइज करना चाहे तो हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, उसे समझने के लिए हमें कुछ इस प्रकार इसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं। चलिए न्यू रूल के मुताबिक आईजीएसटी आईटीसी बैलेंस दैट इज नॉर्मल प्लस आरसीएम, नॉर्मल आईजीएसटी आईटीसी इज 32,500
और RCM की ITC है 2500। हम उसी प्रॉब्लम को वापस सॉल्व करें। लेस आउटपुट IGST, आउटपुट IGST इज अवेलेबल बैलेंस एज 25,000। तो टोटल बैलेंस अगर हम इसे वेरीफाई करें तो कुछ इस प्रकार हो जाता है, बैलेंस इज 10,000, बैलेंस IGST ITC। अब यहीं से हमें नए मेथड के मुताबिक इसे चेंज करने हैं सो दैट हम इस बैलेंस अमाउंट को भी यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमारा जो टोटल ITC अवेलेबल है अंडर CGST, द टोटल ITC इज अवेलेबल 9560 प्लस 1550 टोटल ITC। इसे हम कुछ इस प्रकार करेंगे, 11110 टोटल लायबिलिटी अदर देन RCM माइनस 11,110 रुपीज, सो ये हो जाता है हमारा 7390। हम यहां से लेस करते वक्त, लास्ट एग्जांपल में हमने आउटपुट CGST एंटायर 10,000 लेस कर दिया था, हम यहां से करेंगे लेस आउटपुट CGST ओनली द डिफरेंस अमाउंट जो कि हमने यहां पे डिराइव किया है 7390। तो बैलेंस अमाउंट इज 10,000 माइनस 7390 बैलेंस IGST ITC, करेक्ट। अब हम फर्दर लेस करेंगे लेस आउटपुट SGST, आउटपुट SGST मिनिमम आइदर दिस फिगर और टोटल ऑफ दिस, सो विच एवर इज लोअर। नाउ अब हम सब्सट्रैक्ट करें तो एज पर इंफॉर्मेशन 26 माइनस 2610 माइनस 2610, तो नए रूल के मुताबिक हमें IGST के ITC को फुल्ली यूटिलाइज करना था, हमने फुल्ली यूटिलाइज कर लिया जो कि अब ये जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर वन में ये जीरो होने के बाद हमें स्टेप नंबर टू फॉलो करना है। स्टेप नंबर टू, आउटपुट CGST, SGST, IGST और वही बात करें इनपुट के, तो इनपुट CGST, आउटपुट CGST इज 18,500 लेस करेंगे हम अमाउंट जो कि हमने यहां पे यूज किया है 7390। तो बैलेंस आउटपुट इज 11,110 और वहीं पर अगर SGST की बात करें तो SGST में बैलेंस आउटपुट अदर देन RCM 18,500 लेस हमने यूटिलाइज किया है 2610 और वहीं पे IGST की लायबिलिटी एज जीरो हो जाती है, हमने पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है। इनपुट अंडर CGST इंक्लूडिंग RCM 9560 प्लस 1550, इनपुट इज 11,110 रुपीज और वहीं बात करें SGST के इनपुट टैक्स को तो ये भी 11,110 रुपीज हो जाता है और IGST ITC जो कि पहले से ही जीरो हो चुका है। अब एज पर सिस्टम जनरेटेड आफ्टर एडजस्टमेंट हमें CGST की लायबिलिटी में कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, ना ही कोई बैलेंसेस यहाँ पे डिराइव होता है। और वहीं बात करें अगर SGST की तो हमें अमाउंट पे करना होगा 4780 अदर देन RCM और वहीं पर अगर RCM की लायबिलिटी को ऐड कर लें CGST की RCM की लायबिलिटी दैट इज 1550, SGST 1550 और वहीं पर अगर IGST के ऐड कर लें तो टोटल इस प्रकार हमें अमाउंट डिराइव हो जाता है। और बात करें GST पेमेंट करने की तो GST पेमेंट कुछ इस प्रकार करने होंगे, CGST आपको पे करना होगा एज 1550, SGST पे करना होगा पेबल अमाउंट प्लस RCM लायबिलिटी और IGST अमाउंट पे करना होगा पेबल एज 0 RCM लायबिलिटी 2500। सो टोटल अमाउंट आपको अपने पॉकेट से पे करने हैं फ्रॉम योर बैंक अकाउंट दैट इज 10,380 रुपीज एज पर एडजस्टमेंट। तो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के मुताबिक हमें पे करने के लिए कहा जाता था 12,990 रुपीज,
तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंसेस अमाउंट था हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से सिस्टम हमें एक्सेस अमाउंट पे करने के लिए कहता है। और वहीं पर अगर हमने इसे एडजस्ट कर लिया तो आफ्टर एडजस्टमेंट हमें पे करने के लिए कहा जाएगा 10,380 रुपीज। आप इस फिगर के मुताबिक इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B इनपुट टैक्स सेट ऑफ के अमाउंट को जो सिस्टम ऑटो जनरेट करते हुए ऑटो कैलकुलेट करता है आप उसे मैनुअली एडिट कर सकते हैं, और बाय द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 10,380 रुपीज ही पे करना है विद आरसीएम की लायबिलिटी। इनपुट टैक्स आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। तो इनपुट टैक्स कहने का मतलब हो गया आरसीएम की इनपुट टैक्स आप सेम मंथ में क्लेम कर सकते हो, बट आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो मैंडेटरी आपको पे करने होते हैं। तो ऐसे केस जहां पर अगर सीजीएसटी की आईटीसी बैलेंसेस अवेलेबल या फिर एसजीएसटी के आईजीएसटी के आईटीसी बैलेंसेस अवेलेबल हैं बट फिर भी आपको आरसीएम के लायबिलिटी के साथ उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपको मैंडेटरी ही पे करने होंगे। तो इस प्रकार हमने इस असाइनमेंट में पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लायबिलिटी के साथ डिस्कस किया। एक दो असाइनमेंट्स एग्जांपल डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी सॉल्व करते हुए अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।